हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। संजय सर, तो काफी दिनों से जो डिसीजन पेंडिंग था फाइनल ईयर के एग्जाम्स को लेकर के, आखिरकार वो आ चुका है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आखिर सर जो मेन मेन हाईलाइट्स है, जो मेन पॉइंट्स है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कोर्ट का डिसीजन है आखिर वो यूजीसी के फेवर में क्यों हुआ, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में एकदम साफ साफ कह दिया था कि बिना एग्जामिनेशन के किसी भी स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा या फिर उन्हें डिग्रीज नहीं दी जाएगी। अब इस जो कोर्ट का डिसीजन है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट होते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी के साथ में कनेक्ट होती है तो हर एक यूनिवर्सिटी इस रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करती है। अब इन्हीं एक्ट में से जो एक एक्ट जो कि एप्लीकेबल हुआ था कोर्ट के हियरिंग के अंदर, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो देखते वो क्या है। तो एज पर द एंट्री 66 ऑफ लिस्ट 1 यूजीसी एक्ट शेड्यूल 7, अकॉर्डिंग टू विच कमीशन कैन नॉट अवार्ड डिग्रीज टू एनी स्टूडेंट विदाउट एग्जामिनेशन। तो इस एक्ट यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि बिना एग्जामिनेशन के जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है किसी भी स्टूडेंट को डिग्री यानी कि उन्हें पास नहीं कर सकती है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि दैट यूजीसी हैज अ राइट टू ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स, देयरफॉर नो स्टेट कैन गो अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द यूजीसी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो यूजीसी है इसके पास राइट है कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है हर एक यूनिवर्सिटीज को एग्जाम लेने के लिए, इसीलिए कोई भी स्टेट अगर चाहे तो भी यूनिवर्सिटी के जो यूजीसी है उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकती है। सो एज पर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, इट इज क्लियर दैट ईच एंड एवरी स्टेट हैज टू कंडक्ट द फाइनल ईयर एग्जाम्स विद इन द रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज। लेकिन जो कोविड का माहौल है उसके चलते अगर कोई भी स्टेट चाहे तो जो एग्जाम्स उन्हें पोस्टपोन कर सकती है लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि स्टेट जैसे कि दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, ये सभी स्टेट जो एग्जाम्स के फेवर में नहीं है। और आउट ऑफ टोटल 755 जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, उनमें से 366 यूनिवर्सिटीज में प्लानिंग शुरू भी कर दी कि हम एग्जाम्स कैसे लेंगे। सो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन है आप सभी इसे पॉजिटिव में एक्सेप्ट करें और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसे शुरू करें। और हाँ, अगर इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, इंडिया बेस्ट ऑफ लक।